गई थी जब पहले राहुल ने पूरी फिल्म सुनाई, तो मैं कहा टाइटल क्या है, ये तो मैं जानता था कि अभी सेंट्रल कैरेक्टर राजू है उसका नाम मतलब, बट इशी राजू, फिर बाद में जब पूरी कहानी सुनी तब मैंने रियलाइज़ किया कि यस, और टाइटल का एक डेफिनेटिव रीज़न है कि क्यों उसको इशी राजू, और मतलब इट्स कैसे बताऊं कि मतलब ये शूट करते हुए काफ़ी कुछ डेवलप हुआ वाइल शूटिंग, और अब वो टाइटल जस्टिफाई भी होता है और एक्साइटिंग भी है मतलब, क्योंकि ये इट्स अ यूथ फिल्म जिसमें मैं और अब्बास दो नॉन यूथ एक्टर्स हैं, बट अदरवाइज इट्स फन। ये एक ठरकी प्रोड्यूसर है और एक ज़माने में डायरेक्टर था, बनाता है बहुत ही गंदी फिल्में, बनाता है, लेकिन सत्यजीत रे और ऋषिकेश मुखर्जी और अल्फ्रेड हिचकॉक इन तरह के पोस्टर्स रखता है। इसकी एक यंग बीवी है जो उससे कम से कम 20 साल जवान है, जो जिसका एक अपना एक मतलब, तो गुग्गी नाम का एक कैरेक्टर है जो पंजाबी है, और कहीं ना कहीं हीरो के साथ एक लगाव इसलिए हो जाता है क्योंकि जब लड़की इसके लाइफ से जाती है और इसकी बीवी भाग जाती है तो एक यूनाइट होता है, और फाइनली ये जो हीरो है वो इसके ऑफिस में काम भी करता है, तो इट्स वेरी फनी कैरेक्टर एंड काफ़ी ओवर द टॉप है। सारे यूथ है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा और उन लोगों को कितना ब्रीफ करना पड़ा, ऑन सेट कैसा माहौल? आई थिंक बहुत बढ़िया था। राहुल ने आई थिंक सबको, राहुल और हमारे डायरेक्टर राहुल शुक्ला, उन्होंने सबको प्रॉपर ब्रीफ दी हुई थी, तो शूटिंग वॉज वेरी ईजी। अब्बास तो मतलब मंझे हुए कलाकार हैं ही, मतलब तो अब्बास के साथ काम नहीं किया था बट जानते थे एक दूसरे को, और बाकी के जितने कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, आदिति है, आयुष है, सबके साथ मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये लोग फ्रेशर्स हैं, और बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, और बहुत ही जो जितने भी दिन हमने साथ में शूटिंग की, एक फैमिली जैसा एक शूटिंग हुई, और बस उसमें शायद इस तरह की फिल्म के लिए वो माहौल ज़रूरी होता है। इस फिल्म की USP ये है कि हर एक आदमी अपनी फिल्म के बारे में अच्छी बात कहता है, हम तो बिकॉज हर फिल्म करते हैं उसको उतनी, इट्स अ फन फिल्म, डोंट गो बिकॉज वेर आर नो बिग स्टार्स, बट दीज पीपल जो हैं इस फिल्म में, आई थिंक आफ्टर दिस फिल्म अगर लोगों ने देखा तो दे विल बिकम स्टार्स, राहुल शुड बिकम अ स्टार डायरेक्टर, एंड इट्स अ फन फिल्म। आप आएंगे थोड़ा सा ज्ञान लेके घर जाएंगे और थोड़ी सी मस्ती, इट्स अ लाइट फिल्म, इट्स अ फील गुड फिल्म। डन। आई थिंक 200 स्क्रीन्स हैं इसके ऑल इंडिया, एंड आईनॉक्स में भी रिलीज हो रही है आई थिंक, एंड ऐसे टाइम पर आ रही है जब दो बड़ी फिल्में हैं साइड बाय साइड, और कभी कभार ये होता है कि जब दो हाथी क्लैश करते हैं तो हमारी एक छोटी सी चींटी मुझे लगता है आगे निकल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कार के बारे में बताइए, ट्रेलर जो है काफी क्वर्की लगा हम लोगों को, और कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑन सेट, और सबसे पहले किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। ओके, सो मेरी कैरेक्टर थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट है, और आजकल की जैसी लड़कियाँ होती हैं वो वैसी सी ही है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा फन है, थोड़ा रोमांस है, सब कुछ है उसमें, सो आप देखोगे तो समझ में आएगा। सेट पे आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। माई डायरेक्टर वॉज अमेजिंग, माई को एक्टर्स वर अमेजिंग, सो येस आई हैड फन शूटिंग इट वॉज रियली गुड। मेरा किरदार जो है वो एक छोटे गांव का है जो अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आता है, फिर किसी से प्यार में पड़ता है, फिर उस प्यार के साथ जो जो कॉम्प्लिकेशन उसकी लाइफ में आती हैं, करियर वाइज उसके लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल आता है, तो मेरा कैरेक्टर उसी के ऊपर आसपास घूमता है। टाइटल को लेके अभी रिवील कर देंगे तो लोग पिक्चर नहीं देखेंगे वो तो आप बिल्कुल हिंट दे दूंगा तो आप पिक्चर की, आपने ट्रेलर देखा ना, ट्रेलर में बहुत सी ऐसे क्लूज हैं जो आप थोड़ी बहुत कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप देखो फिल्म, आपको सच में बहुत अच्छी लगेगी। ओके, इट वॉज अ चैलेंजिंग रोल एंड इट वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट वर्क्स व्हिच आई हैव डन, सो उस कैरेक्टर में जाना और उसको बहुत अच्छे से करने के लिए मेरे डायरेक्टर ने मेरी काफ़ी हेल्प की, इवन माई को एक्टर ही आई आई यूज टू टेक लेसन्स टू ओके टीच मी समथिंग, बट देन इट वॉज फन डूइंग इट, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, आई होप आई हैव डन द जस्टिस। नॉट रिलेटेड टू एनी अदर कैरेक्टर,
which I know till date. So no, not really. I haven't taken any reference. But then yeah, people were coming up with the points ki haan, ki aap ye kar sakte ho, wo kar sakte ho. I was open for the opinions and I took it and it did work out. Since it's a debut film and Amit Mehen sir hai, bahut sare aise experience actor hai, unke saath kaisa experience raha, kya seekhne mila? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब खैर ऐसा लगा ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, उन्होंने शो नहीं किया कि हाँ कि हम सीनियर हैं, आप नए नए आए हैं, अभी काम कर रहे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव थे. और हाँ ऑब्वियसली उनके साथ सीखने को काफ़ी कुछ मिला कि कैसे एक्टिंग कैसे करनी है, किस तरह से कैमरा हैंडल करना, कैसे फेस करना है कैमरा. तो हाँ मतलब अच्छा था उनके साथ काम करना. बीट अमित सर, बीट अब्बास सर, बोथ ऑफ देम आर सुपर सीनियर्स एंड दे वर सो डाउन टू अर्थ. हमें लग ही नहीं रहा था कि हम ऐसे न्यू हैं और वो हमें ऐसे थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं. इट वॉज फन विद देम ऑन द सेट एंड दे आर अमेजिंग पर्सनैलिटीज, दे आर गुड एज अ ह्यूमन बींग एज वेल. सो यार सबने मेहनत की है यार, तुम लोग भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, मिल के काम करें. बहुत अच्छी फिल्म है, सबने बहुत हार्ड वर्क किया, डेडिकेशन से फिल्म बनी है और उम्मीद है कि सबको बहुत पसंद आएगी. हम सब एक फेज होता है कॉलेज का, लाइफ में हम आते हैं, कॉलेज में आते हैं, एंजॉय करते हैं, तो अगर हम सब ने वो लाइफ जी है तो हम सब इस फिल्म से मतलब जुड़ सकते हैं आपस में. आप फील करेंगे कि आपकी कहानी है, जो कॉलेज लाइफ में मस्ती होती है, मज़े होते हैं, वैसा कुछ है. यूथ फिल्म देखिए, मज़ा आएगा. ये ऐसी फिल्मों का कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आता है, ऐसी फिल्में आपके साथ चल रही होती हैं, तो ये चल ही रही थी, ये फिल्म तब से चल रही थी जब से कॉलेज में एडमिशन हुआ, जब से पढ़ाई, जब से एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, तो चलती हुई फिल्म थी, चलते चलते कागज़ पे उतर गई, कागज़ पे उतरी तो मुझे मज़ा आया, तो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ. 8 मार्च भूलिएगा मत, पहुँच जाइएगा थिएटर में, 8 मार्च 2019. स्टारकास्ट किसी भी फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो इस फिल्म के स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई है, क्योंकि हर एक किरदार जो है ऐसा लगता है कि उसी के लिए बना है, तो क्या जी? हाँ, स्टारकास्ट से मेरी समझ जो है कि जो कहानी के चरित्र, कहानी के पात्र जैसे हैं बिल्कुल वैसा ही हो जाए, ना कि वो अपना पर्सोना या अपनी पर्सनालिटी लेके आए, तो वो सबसे एप्ट एक्टर्स हैं फिल्म के लिए, सबसे एप्ट स्टार्स हैं. सो कास्टिंग करते हुए मुझे हमेशा ध्यान में मेरे वही रहता है कि हर अभिनेता होने से पहले जो होता है वो हो जाए तो मेरे लिए परफेक्ट है. और आप लोग कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को कि जियो और जीने दो, एंटरटेन होइए, एंटरटेन रखो, मजे लो.